কর্ণাটকে বিপুল সংখ্যক আসন পেলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল না বিজেপি। তারপরেও কর্ণাটকে এই জয়কে স্বাগত জানিয়েছেন ত্রিপুরার বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। কর্ণাটকের ফল ঘোষণা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কি জানিয়েছেন শুনব। पहले मैं उनको बधाई देता हूँ, इन्होंने नरेंद्र भाई मोदी का जो विकास धारा है उनको कर्नाटक में लेके गए। आज के जो रिजल्ट आया है सबसे बड़ी जीत हुई है और इस जीत में पहला बधाई मैं कर्नाटक वासी को देता हूँ और उसके बाद मेरे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। इनका विकास मंत्र हर गली में पहुँच रहा है और कर्नाटक में हर गाँव में पहुँच गया है। साथ ही साथ कर्नाटक बीजेपी इकाई को मैं देता हूँ, इन लोगों ने मेहनत की है और केंद्र का बीजेपी का जो टीम सब लोग जाके वहाँ एक साथ मेहनत किया है और कर्नाटक को कांग्रेस से मुक्त कराया है। मैं साथ ही साथ आज वो भी याद करना चाहता हूँ, मैं राहुल गांधी को याद कराना चाहता हूँ। आपने 150 MLA MP लेके राष्ट्रपति भवन में पहुँच गए थे और उस समय भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित भाई शाह जी ने बोला था, बोले मेरे ऊपर आप झूठ आरोप लगा, तो जब भी इलेक्शन होता है आप एक झूठा आरोप लगा के लोग इलेक्शन का बोतरनी पार होना चाहते हो और सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब दे दिया है, पटकार लगाया है। उस समय भी हम लोगों ने बोला था माफ़ी मांगना चाहिए था, उस समय माफ़ी मांग लेते तो इस तरीके से इनका हार नहीं होती। तो ये जनता का काम ना करके आकाम करता है उसका ही रिजल्ट आज कर्नाटक वासी ने दे दिया है। और अमित भाई के साथ, उनके परिवार के साथ, गरीब के साथ जो अन्याय किया था उसका भी जवाब आज कर्नाटक वासी ने दे दिया है। उनको सबक सीख लेना चाहिए।